जय जिनेन्द्र मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टानिका पर्व के बारे में कि अष्टानिका पर्व कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए मनाए जाते हैं और इसका क्या महत्व है। अष्टानिका शब्द के बारे में बात करें तो अष्टानिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अष्ट और आनिक। अष्ट का मतलब होता है आठ और अहन शब्द का मतलब होता है दिन और आनिक मतलब होता है दैनिक, मतलब ऐसा त्योहार जो आठ दिन तक मनाया जाता हो। अष्टानिका का मतलब है कि ऐसा त्योहार जो आठ दिनों का त्योहार होता है। पर्युषण पर्व की तरह ही अष्टानिका पर्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और पर्युषण पर्व की तरह ही अष्टानिका पर्व भी साल में तीन बार मनाया जाता है, कार्तिक महीने में लगभग अक्टूबर नवंबर में और फाल्गुन महीने में लगभग मार्च अप्रैल में और आषाढ़ महीने में यानी कि जुलाई के महीने में इस त्योहार को मनाते हैं और अंतिम अष्टमी से पूर्णिमा तक की तिथि में आठ दिनों तक इस त्योहार को जोर शोर से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। नंदीश्वर द्वीप जो कि आठवां द्वीप है वहां पर वावन अकृत्रिम चैत्यालय है जो कि अनादि अनंत कालीन है, न किसी ने बनाए हैं न कोई उनको मिटा पाएगा। वहां पर सौधर्मेंद्र अपने इंद्र परिवार को लेकर के पूजन करने के लिए जाता है और पूजन करके हर्षित होता है और हम लोग भी अपने नजदीकी जिन मंदिरों में अष्टानिका के दिनों में इसलिए पूजन करते हैं क्योंकि हम भी स्वयं में इंद्र की स्थापना करते हैं, स्वयं को इंद्र मान करके ऐसी पूजा करने की भावना करते हैं जैसी पूजन जैसी शक्ति के साथ देवलोक किया करते हैं। ऐसे में सिद्ध चक्र विधान का भी आयोजन किया जाता है जो कि सिद्धों की आराधना का आठ दिनों का एक विधान होता है और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस पर्व में नंदीश्वर पूजा करें और अगर कोई विधान करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। धार्मिक और मंगल कार्य ऐसे समय में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सारे वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार।